की बड़ी खबर की ओर, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोजाना यात्रा करने वालों को लेकर रेलवे बेपरवाह नजर आ रहा है। ट्रेनें शुरू लेकिन दैनिक यात्रियों को रेलवे भूल रहा है। लगातार परेशानी हो रही है, किसी भी ट्रेन में दैनिक यात्रियों की संख्या करीब 40%, लेकिन करीब 20,000 दैनिक यात्रियों के 18 लाख रुपए अटके हैं। दैनिक यात्रियों की एमएसटी दोबारा फ्रीज करने पर कोई विचार नहीं है। अनरिजर्व टिकट एमएसटी ठप होने के कारण करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। जयपुर मंडल को हर महीने करीब 8.25 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जयपुर के करीब 2,000 लोगों के 5 लाख रुपए अटके हुए हैं। लोगों की मार्च महीने की एमएसटी का पैसा अटका हुआ है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। ऋषभ, लगातार रेलवे अपनी सुविधाओं में विस्तार करता जा रहा है, ट्रेनें चलाता जा रहा है, लेकिन दैनिक यात्री हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधाएं होती नजर नहीं आ रही है। जो भी ट्रेनें चल रही है उनमें भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल आशीष, देखिए अगर देखा जाए तो रेलवे लगातार जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनको चला रहा है और साफ तौर पर जो रेगुलर ट्रेनें थी उनको चलाने की कवायद भी जारी, क्योंकि देखिए कोरोना के जो मामले हैं उनमें भी अब कमी आई है और कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसको अब सहूलियत पूरी तरह से देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है अभी भी रेलवे की तरफ से कि एमएसटी और प्लेटफॉर्म टिकट और अनरिजर्व टिकट को अभी चालू नहीं किया जा रहा, जिससे आम आदमी को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ रेलवे भी इसका नुकसान झेल रहा है। यदि बात करी जाए तो पूरे अगर देश भर की बात करी जाए तो देश भर में भी जो एमएसटी के लोग हैं वो परेशान देखे जा रहे हैं, और खासकर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के देखिए आसपास के जो लोग अपडाउनर्स हैं जो दैनिक यात्रा करते थे उनको साफ तौर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एमएसटी बनवाकर वो लोग आते जाते थे लेकिन अब उन्हें बाइक से या कार से आना जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके ऊपर खासन उनको भारी पड़ रहा है ये। और साथ ही साथ देखा जाए तो प्लेटफॉर्म टिकट ना चलने के से उनके ऊपर जो अगर मोटे मोटे पैसे की बात करी जाए तो हर माह जो आए थी इनकी करीब 25 लाख अनरिजर्व टिकट थे, जिससे 7.5 करोड़ की आय होती थी और सालाना 91.25 करोड़ की आय हो रही थी, जो अब पूरी तरह से बंद है। वहीं अगर देखा जाए 4,000 प्लेटफॉर्म टिकट बिकते थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन अब उनकी जो संख्या है वो शून्य है, और इससे करीब करीब जो नुकसान है सालाना वो 1.46 करोड़ रुपए का है। तो बीते जो 10 महीने निकले हैं इसमें पूरी तरह से जो आय के जो स्रोत थे वो बंद कर रखे हैं और जो आम आदमी है वो परेशान है। और देखिए बीते दिनों एवन टीवी ने खबर चलाई थी कि जयपुर के जो लोग हैं करीब 2,000 ऐसे लोग हैं जिनके 5 लाख रुपए एमएसटी के अटके हुए हैं, वो भी अभी फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज में देखने वाली ये है कि 3 DMU शुरू करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया कि DMU कब चलेंगी, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, अजमेर मंडल, जयपुर मंडल को चलाने के लिए कहा गया था, जयपुर, सीकर, जयपुर, जयपुर, अजमेर, जयपुर के बीच, लेकिन निर्देश के बावजूद ये अभी तक चलाई नहीं गई है। इसमें साफ तौर पर अगर रेलवे की देखा जाए तकनीकी कारणों और समस्याओं के चलते रेलवे अभी इनको नहीं चला रहा है, लेकिन कब तक इनको नहीं चलाएगा क्योंकि निर्देश जारी हो चुके हैं और उसके बावजूद इन्हें नहीं चलाया जा रहा। तो आम आदमी पर एक खासा असर पड़ रहा है इसका, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है तो रेलवे को अब इसका पूरा ध्यान देना चाहिए। जी आशीष जी, बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे, जिन्होंने बताया कि लगातार दैनिक यात्रियों को परेशानी हो रही है, रेलवे इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।